नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ के घमंडी में 3 दिन पहले हुई मुठभेड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में कथित रूप से मारे गए 4 नक्सलियों के शव को लेने के लिए ग्रामीण 80 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया। परिजनों का आरोप है कि मारे गए 5 लोगों में 4 लोग घमंडी के निवासी हैं, नक्सल संगठन से इनका कोई वास्ता नहीं है। ग्रामीणों के इस आरोप पर नारायणपुर के SP प्रभात कुमार ने बताया कि माड़ बचाओ अभियान के तहत 5वीं बार सुरक्षा बलों ने कोई इलाकों में अभियान चलाया है। इस दौरान टॉप नक्सली लीडरों को टारगेट किया जा रहा है। नक्सल संगठन के तीसरे और चौथे क्रम के लोगों को अभियान से दूर रखा गया है। मुठभेड़ में अब तक जो मारे गए हैं वह पुलिस के प्रोफाइल में 8 लाख के इनामी नक्सली हैं। हर मुठभेड़ के बाद नक्सल दबाव में ग्रामीण पुलिस पर झूठा आरोप लगाती है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वह निराधार है। नहीं तो मुठभेड़ में तीन चार चीज़ों से असेस कर सकते हैं हम। एक तो प्रोफाइल जिसके हिसाब से हमने डिटेल भेजा है, एक जो जगह जहाँ पर जिसका डेरा होता है, जिस तरह की चीज़ें हमारे पास जब्त हुई और जैसे हथियार जब्त हुए हैं हमारे प्रोफाइल में। ये तो घमंडी या फिर काकोर या 771 हाइट का इलाका है या फिर नीलांगुर, ये सब बहुत शीर्ष नेता CCM और SZCM के का परमानेंट डेरा वाला इलाका, ऐसा हमें सूचना था। इसके आधार पर हम ऑपरेशन किए थे। जिस तरह के हमें हथियार मिले, ग्रेडेड वेपन मिले हैं, CC ये चारों लोग जो हमारे प्रोफाइल के हिसाब से शीर्ष नेता CC के CC मेंबर्स के रक्षा दल प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, जो Company 1 के सदस्य हैं और Company 1 की तरफ से ये सीनियर लीडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो डेरा था वो इन्हीं सीनियर लीडर्स का डेरा था जिनकी सूचना पे हम गए थे। जैसे हथियार हमें मिले 303 बहुत ग्रेडेड वेपन है जिसकी हम भी पहचान कर रहे हैं कि कहाँ से लूटा गया था या फिर किस फोर्स का है, उसके लिए हम डेटा डाले हैं 303, 315। और जो भरमार भी है उसकी जो क्वालिटी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सारे ग्रेडेड वेपन्स अच्छे वेपन्स हैं। तो ये जो क्लेम है ये क्लेम गलत है। लेकिन इस क्लेम के बारे में एक और चीज़ ये समझना है कि पुलिस की, सरकार की और खास करके नारायण पुलिस के माड़ बचाओ अभियान में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि नारायणपुर के हर क्षेत्र को इस तरह का बना देना है कि जिसे जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी है वहाँ स्वयं, जैसे आप, मैं या पत्रकार स्वयं घमंडी में जाकर पता कर पाएं और वहाँ के ग्रामीणों से स्वतंत्र रूप से पूछ पाएं कि कौन क्या क्या कैसा हुआ है, कैसे किए हैं, और किसी के सर्टिफिकेट या किसी के परमिशन के वजह से हम वहाँ ना जा पाएं। बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ पर सभी पत्रकार, सभी लोग या फिर सभी ग्रामीण फ्रीली सब जगह रह पाएं और अपने आप को आज़ादी से एक्सप्रेस कर पाएं। अभी अगर कोई नक्सलियों के डर से, भय से और उनके उनके दबाव में ऐसा कुछ बोल रहा है तो हमने अपने प्रोफाइल को, हथियार को, डेरा को और हमारा जिस तरह से मुठभेड़ हुआ है, 3-4 दिन मुठभेड़ चला, 4 दिन तक हमारा ऑपरेशन चला है, मल्टीपल IDs फोड़े गए हैं, 6-7 रुक रुक कर 6-7 बार फायरिंग हुई है। तो ग्रेडेड नक्सल कैडर्स थे, ग्रेडेड वेपन हमें मिले, तो ये सारा